किसानों ने 5 दिसंबर को पूरे भारत में प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसान आंदोलन से जुड़े सभी संगठनों की आज बैठक हुई और उसमें यह फैसला किया गया। 5 दिसंबर को ही किसान नेताओं की सरकार से 5वें चरण की बातचीत होगी। 3 दिसंबर की बातचीत में इस बातचीत के बारे में फैसला किया गया था। इस ऐलान का क्या यह मतलब समझा जाए कि किसान करो या मरो के इरादे से अपने आंदोलन को चला रहे हैं, वे सरकार के किसी दबाव में नहीं आना चाहते हैं। 3 दिसंबर की बातचीत के बाद सरकार ने कुछ मांगों को लेकर फिर से विचार करने के संकेत दिए थे, मगर किसान तीनों कानूनों की वापसी चाहते हैं, उससे कम पर राजी होना नहीं चाहते। कल जो चर्चा हुई थी, सरकार संशोधन के लिए तैयार था मगर पूरा रिफिल करने के लिए, पूरा कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आज फैसला ये हुआ कि जब तक कानून तीनों रद्द नहीं होगा, रिफिल नहीं होगा और उसका साथ साथ MSP को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक इस आंदोलन को प्रत्याहार करने का कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात है, दूसरा जो फैसला हुआ कल 5 तारीख को, जो पहले का फैसला था जो कि हर पूरा देश में मोदी जी का अंबानी अदानी का पुतला फूंका जाएगा, और उसका साथ साथ दूसरा जो फैसला हुआ अगला 8 तारीख भारत बंद रहेगा, पूरा देश भर में चक्का बंद रहेगा, पूरा देश भर में बंद रहेगा और उस चीज को कार्यक्रम को 8 तारीख लिया जाएगा। और उसका बाद ये जो कल का जो मीटिंग होगी, शायद वो मीटिंग एक निर्णायक मीटिंग होगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तभी ये आंदोलन, भारत बंद 8 तारीख होगा, उसका बाद बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा।